मैं संजय सर नॉलेज कैंपस के इस ऑनलाइन सेगमेंट में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रिवीजन सीरीज हमारा स्टार्ट है। रिवीजन सीरीज में हम काफ़ी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं जो एमपीपीएससी 2021 की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर के टारगेट करके हमने बनाए हैं। और मुझे लगता है कि जो बच्चा एमपीपीएससी की एग्ज़ाम दे रहा है वो इस सीरीज से काफ़ी कुछ फ़ायदा उठाएगा। हमारे इस प्रोग्राम के दो सेगमेंट हैं, एक है वीडियो लेक्चर और दूसरा है ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स और स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल और टेस्ट पेपर के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना पड़ेगा, जिसका कि लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों, पॉलिटी की रिविजन सीरीज में अब मैं बात करने वाला हूँ भारतीय संसद पर, इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, वैसे तो संविधान को जब हम पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यानी राष्ट्रीय कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव राज्य की कार्यपालिका, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, और एक टॉपिक आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम। इन चार पांच टॉपिक से ही, क्योंकि ये मेजर टॉपिक है ना, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पॉलिटिक के होंगे। अभी कल परसों यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ और आप देखिए उसमें पॉलिटिक के क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, बट जो टॉपिक मैंने बताए हैं इन्हीं से पूछे गए हैं। सेम यूपीएससी के जैसा ही एमपीपीएससी में भी होता है, क्योंकि देश का पॉलिटिकल सिस्टम का जो एक तंबू है वो तीन बंबुओं पर टिका है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। यानी ये पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन तीन बंबुओं पर टिका है और इसीलिए ये आपसे उम्मीद की जाती है कि इन तीन के बारे में आपकी बहुत डीप नॉलेज हो। भारतीय संसद की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो रूप हैं, इसके दो भाग हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। राष्ट्रपति भी संसद का अंग है, अभिन्न अंग है, मगर लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के इलेक्शंस, इन दोनों के काम करने के तरीके, इन दोनों के विभागीय अधिकारी, इन दोनों में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब हम संसद की बात करते हैं तो एक ऐसा दृश्य में इमेज माइंड में बनता है कि एक व्यक्ति चेयर पर बैठा है, उसके दोनों तरफ मेंबर्स बैठे हैं, एक तरफ सत्ता पक्ष होगा, एक तरफ विपक्ष होगा। आप पता लगाइए कि लोकसभा या राज्यसभा में अध्यक्ष स्पीकर के किस तरफ सत्ता पक्ष बैठता है और किस तरफ विपक्ष बैठता है, पता लगाइएगा और हमें बताइएगा कमेंट में। और ये परंपरा कहां से शुरू हुई, मैं जब पॉलिटी का डिटेल कोर्स आप लोगों के लिए लाऊंगा ना, तब मैं इस पे बहुत डिटेल बात करूंगा। हम चलेंगे फ्रांसी क्रांति की तरफ, मगर फिलहाल में हमें सिर्फ रिविजन करना है। तो गाइस, पार्लियामेंट के टॉपिक को जब हम शुरू करें तो सबसे पहले हम ये देखें कि किस देश में पार्लियामेंट को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो सबसे पहले ब्रिटेन में वहाँ की संसद को, संसद मैंने वो चीज, वो जगह जहाँ पर जनता के प्रतिनिधि बैठ करके कानूनों का निर्माण करते हैं, कानूनों का निर्माण। और जब हम कानूनों के निर्माण की बात करें तो ब्रिटेन में उस सिस्टम को पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है। याद रखना, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। पाकिस्तान और फ्रांस में इसे नेशनल असेंबली कहते हैं। अभी ये बड़ा चर्चा में रहा था
क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान साहब नेशनल असेंबली में ही अपना बहुमत खोए थे, तो वहाँ की पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहते हैं। कहाँ की? पाकिस्तान और फ्रांस की। तो बच्चा, बांग्लादेश की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? जातीय संसद। क्या कहते हैं? जातीय संसद। नेपाल की पार्लियामेंट को हम कहते हैं पंचायत, मतलब हम नहीं कहते, नेपाल की जनता, नेपाल की सरकार कहती है पंचायत। और हम, हमारे यहाँ पंचायत का मतलब आपको पता है, अभी हमारे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, बड़े मज़े आ रहे हैं। पंचायत चुनाव में बहुत मज़ा आता है, मतलब आप पंचायत के इलेक्शन में जितना मज़ा आता है ना, उतना लोकसभा के चुनाव में भी नहीं आता, क्योंकि क्योंकि ना लोग, आप जो वोटर होते हैं वो अपने आप में उनकी पोजिशन एक दूल्हे के जैसी हो जाती है, जैसे दूल्हा नहीं होता उसकी बड़ी रेस्पेक्ट होती है उसकी शादी में, कुछ वोटरों के साथ भी वैसे हाल होता है, हर कोई पूछता है, लोग दुआ सलाम करते हैं, और भैया क्या कर रहे हो आजकल, अरे यार ध्यान रखना यार हमारा यार, तो हमें फील होता है। फिर अब अपने बुंदेलखंड में ना तो काफ़ी चीज़ें होती है इस तरह की, और बड़ी मज़ेदार लैंग्वेज में वो आपस में बात करते हैं, भैया थोड़ा देख लेना, तो बंदा बोलता हाँ देख लेंगे, बस कुछ नहीं, वो छन्नू लाल का 5,000 रुपये बकाया था, वो व्यवस्था करनी है, तो फिर बेचारा बोलता है हाँ हाँ अरे क्यों नहीं साहब, हो जाएगा आपको निश्चिंत, आप टेंशन ना लो, हमारा ध्यान रखियो। तो इस तरह से हमारे यहाँ पंचायत चुनाव में बड़ा मज़ा आता है, मगर फिलहाल में नेपाल में संसद को पंचायत कहते हैं, और चीन में वहाँ की पार्लियामेंट को पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। स्विट्ज़रलैंड में वहाँ की पंचायत को संघी सभा कहते हैं, और जापान में वहाँ की पंचायत को डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। रूस में वहाँ की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं, और ये ड्यूमा का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 1905 से बना था बच्चा। मैं एक छोटा सा स्टोरी सुना दूँ कि 1905 में रूस में जार का शासन था, और जार के खिलाफ हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे, और जार ने उन लोगों पर गोलियां चलाई थी, जिसे इतिहास में ब्लडी संडे कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लडी संडे, क्योंकि रूस चर्चा में है तो थोड़ा बहुत उसका इतिहास सबको पता होना चाहिए। उस ब्लडी संडे के बाद में जब और विरोध हुआ, तो वहां के जार ने कहा कि ठीक है मैं एक पार्लियामेंट बनाता हूँ, उस पार्लियामेंट को नाम दिया गया था ड्यूमा, और आज भी लगभग 100-150 साल बाद भी उस पार्लियामेंट का नाम ड्यूमा ही है। मालदीव की पार्लियामेंट कहलाती है मजालिस, और भूटान की पार्लियामेंट कहलाती है त्योंगस्पा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि उनका नाम आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जब बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा की, मैंने कहा कि भारत में संसद के दो भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं। सबसे पहले तो राज्यसभा जो है वो राज्य का सदन है। जब मैं कहता हूँ कि वो राज्य का सदन है, इसका मतलब ये हुआ, जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था, हमने कहा भाई लोकसभा जो होगा उसमें पब्लिक के प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष चुनाव जीत करके आएंगे। मगर क्योंकि हमने एक संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, हमने एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम को अपनाया है, हमने एक फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया है, तो उस फेडरल स्ट्रक्चर में राष्ट्रीय नीतियों में, नेशनल पॉलिसीज में स्टेट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब स्टेट का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो स्टेट अपने प्रतिनिधि भेजेगा। अब प्रतिनिधि लोकसभा में तो भेज नहीं सकते, क्योंकि वो तो पब्लिक का सदन हो गया, तो हमने एक और सदन बनाया जिसे हम कहते हैं राज्यसभा। यानी वहां से राज्यों की सरकारों के थ्रू या राज्य की असेंबलीज के थ्रू नॉमिनेशन यानी इलेक्शन होगा, किसका? मेंबर्स का। यानी राज्यसभा जो हो गई वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ना कि जनता का। हाँ ये बात अलग है कि उस राज्यसभा से चुने जाने वाले सदस्य भी सांसद यानी प्रतिनिधि ही कहलाते हैं जनता के, बट राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और कानून निर्माण में राज्यों की भी अपनी भूमिका होती है, इसलिए हमने राज्यसभा को रखा और ये राज्य का सदन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो राज्यसभा होता है बच्चा, वो स्थायी सदन होता है। क्या होता है? परमानेंट, यानी कि इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, यानी वो कभी भी भंग
नहीं हो सकता, वो लगातार हमेशा चलता रहता है, उसके सत्र उसके सेशन एडजर्न होते हैं बट राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। ठीक है, अब ये उच्च सदन है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो हमने इसको कहा भाई ये हमारा एल्डर हाउस है और ये द्वितीय सदन भी है। ठीक है, अब जो लोकसभा है, सबसे पहले तो जनता को रिप्रेजेंट करने वाला सदन हो गया, यानी पीपल्स असेंबली तरह से हम कह सकते हैं। ये अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है मतलब ये क्या हुआ कि हर 5 साल में ये भंग होता है, हर 5 साल में सामान्य परिस्थितियों में, उसके पहले भी हो सकता है, कैसे होगा वो भी हम बात करेंगे। अच्छा, इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता का लोकप्रिय व्यक्ति ही वहाँ जाकर के बैठता है, क्योंकि जनता जिसे चुनेगी माने जनता का लोकप्रिय वो व्यक्ति, तो जहाँ बहुत सारे लोकप्रिय व्यक्ति बैठ गए वो हो गया लोकप्रिय सदन। ये निम्न सदन है, लोअर हाउस है, और ये प्रथम सदन भी है, यानी लोकसभा प्रथम सदन हो गया, राज्यसभा द्वितीय सदन हो गया, लोकसभा लोअर हाउस हो गया, राज्यसभा अपर हाउस हो गया, लोकसभा परमानेंट, लोकसभा अस्थाई हो गया, नॉन परमानेंट सदन हो गया, राज्यसभा परमानेंट सदन हो गया। ठीक, अब हम बताएं कि इसकी पहली बैठक लोकसभा की तो 13 मई 1952 को हुई थी, राज्यसभा की भी इसी समय। सदन का कार्यकाल क्या है, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा की पहली बैठक 52 में होती है, राज्यसभा जो है वो 2 वर्ष के पश्चात उसके 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं, यानी कि उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। अभी राज्यसभा के इलेक्शन के डेट्स आ चुके हैं, राज्यसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, तो हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो राज्यसभा के हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी सेवाएं ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं उनकी पार्टी चाहे तो, मगर लोकसभा में जो है वो 5 साल के लिए होता है, इससे पहले भी ये भंग हो सकती है और इसके बाद भी टाइम बढ़ सकता है अगर लोकसभा, अगर देश में आपातकाल लगा हो तो। ठीक है, और लोकसभा के टाइम पीरियड को कौन बढ़ा सकता है, पार्लियामेंट बढ़ा सकता है एक बार में 1 साल के लिए। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का बचा, और जो लोकसभा के सदस्य उनका कार्यकाल, उनका टेन्योर 5 ईयर का। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब आगे अगर हम बढ़ें तो आप देखेंगे कि सदस्यों की आयु की बात करें तो राज्यसभा में अगर आप लोग मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए चाहिए हमें कितनी, 25 वर्ष। ठीक, सदस्यों का चुनाव जो राज्यसभा है उसमें उसके सदस्यों का चुनाव, उसके मेंबर्स का इलेक्शन विधानसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। मैंने कहा कि राज्यसभा राज्यों का सदन है और राज्यों का सदन होने के कारण इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि उसमें जो बंदे चुन करके जाते हैं वो बंदे राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, यानी उसमें पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती। इसका मतलब राज्यसभा का चुनाव जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चा, कि जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेट कर दे वो चुनाव डायरेक्ट हो जाएगा, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करे, उसके प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करें, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट चुनाव। तो याद रखिएगा कि भले ही हमने किसी व्यक्ति को सामने रखकर प्रधानमंत्री पद के लिए वोट दिया हो, मगर याद रखिए कि उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है हमारे प्रतिनिधियों ने। प्रधानमंत्री का चुनाव भी इनडायरेक्ट होता है, राष्ट्रपति का चुनाव भी इनडायरेक्ट होता है, हमारे लोकसभा के मेंबर्स का चुनाव जरूर डायरेक्ट होता है, विधानसभा के सदस्य का चुनाव डायरेक्ट होता है, हमारे सरपंच पंच का चुनाव डायरेक्ट होता है। मगर अब आपको पता होना चाहिए, मैंने जो डेफिनेशन बताई कि किसका डायरेक्ट चुनाव होता है, किसका इनडायरेक्ट होता है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य प्रत्येक जनता द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा की मैक्सिमम सदस्य संख्या 234 तो राज्य से आते हैं, ठीक है, 4 यूनियन टेरिटरी से आ गए फिलहाल में, मनोनीत हो गए कितने, 12, मतलब टोटल जो अभी है ना वो 250 हमारे यहाँ राज्यसभा की सदस्य संख्या। लोकसभा की जो है 530 राज्य से आ गए, 20 लोकसभा के मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से आ गए, टोटल हो गए 550।
पहले दो एंग्लो इंडियन भी होते थे, बट वो कॉन्सेप्ट अब हमारी पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दिया है। तो टोटल 550 अभी हमारे यहाँ मेंबर्स हैं। अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? तो सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की 31 हैं राज्यसभा में, और फिर महाराष्ट्र, यहाँ उत्तर प्रदेश की सीटें हो गई कितनी, 80। लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं 80, महाराष्ट्र की फिर आती हैं 48। सेकेंड, ठीक। अब हम बात करें अगर तो राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां क्या हैं, पावर्स, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जब हम पावर की बात करें, हम शक्तियों की बात करें, तो दो तीन चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले जैसे मैं कहूँ तो शक्तियाँ पावर में, कार्यपालिका पर नियंत्रण से संबंधित शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण माने एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करने की पावर, ठीक है। तो अब क्योंकि लोकसभा में जो पार्टी बहुमत लेकर के आती है, उसी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बनते हैं और उसी पार्टी के बाकी नेता मंत्री बनते हैं, यानी कुल मिला करके लोकसभा में जो मेजोरिटी लेकर के आएगा उसकी सरकार बनेगी, ठीक है। राज्यसभा का सरकार बनाने में कोई भूमिका नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि राज्यसभा के मेंबर भी उस सरकार में मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बट जो पार्टी लोकसभा में मेजोरिटी लाएगी वही सरकार बनाएगी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो लोकसभा से बन करके आ रही है सरकार, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी किसके प्रति ज़्यादा होगी, उसकी जिम्मेदारी किसके प्रति ज़्यादा होगी, उसकी जवाबदेही किसके प्रति ज़्यादा होगी, तो वो होगी लोकसभा के प्रति। तो आप बोलोगे सर फिर राज्यसभा की क्या भूमिका है? तो बच्चा राज्यसभा की भूमिका ये है कि राज्यसभा संसद का हिस्सा है, तो उसे कानून बनाने के लिए आना तो संसद में ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो सरकार पर कंट्रोल राज्यसभा के पास है लिमिटेड, मगर लोकसभा के पास है बहुत ज्यादा। तो सरकार पर कंट्रोल करने की जब हम पावर की बात करें, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही जवाबदेही उनकी होती, जवाबदेह होती, यानी जो लोकसभा है उसके प्रति ही वो उत्तरदायी होती है। इसलिए जब कभी भी लोकसभा से अगर अविश्वास प्रस्ताव पास होगा तो ये सरकार गई, ठीक। इसीलिए सरकार के को जवाबदेह बनाने के लिए हम क्वेश्चन आवर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव ला करके सरकार पर क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कौन करती है? हमारी लोकसभा, सॉरी राज्यसभा, माफ कीजिएगा। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखो कि ये कॉन्सेप्ट दोनों में आते हैं, मगर लोकसभा के प्रति अकाउंटेबल होती है हमारी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अविश्वास प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव, ये दोनों चीज़ ला करके हम सरकार को हटा सकते हैं, मगर ये दोनों प्रस्ताव कहाँ आते हैं, नॉर्मली लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही आता है, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया इसका मतलब ये हुआ कि सरकार पर विश्वास नहीं है, किसको, सदन को, तो वो सरकार समाप्त हो जाएगी, ठीक। अब हम बात करें कि राज्यसभा को क्या जिम्मेदारी है, मतलब सरकार पर नियंत्रण रखने के संबंध में राज्यसभा की क्या पावर है। तो वो प्रश्न पूछकर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के थ्रू, निंदा प्रस्ताव क्रिटिसाइज करके सरकार को नियंत्रित करती है, लेकिन सरकार को राज्यसभा हटा नहीं सकती, सरकार को राज्यसभा हटा नहीं सकती, सिर्फ हटा सकती है कौन, लोकसभा, ठीक। अब मैं फाइनेंशियल पावर की अगर बात कहूँ तो धन विधेयक लोकसभा में आते हैं, ठीक है, और राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो केवल 14 डेज तक, बच्चा कितने दिन तक, 14 डेज तक वो धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है, केवल 14 डेज तक, ठीक। अब चुनाव से संबंधित क्या पावर है, तो लोकसभा अपने अध्यक्ष का और अपने उपाध्यक्ष का, अपने स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का खुद चुनाव करती है लोकसभा, ठीक है। इसके अलावा वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी पार्टिसिपेशन करती है लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा क्या करती है, वो अपने उपसभापति का चुनाव करती है, अपने उपसभापति का जो है चुनाव करती है, मगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में भी वो
लोकसभा के साथ ही भाग लेती है। ठीक है, तो एक अंतर बस ये है कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव और डिप्टी स्पीकर का लोकसभा करती है, मगर राज्यसभा के स्पीकर का चुनाव तो क्योंकि उपराष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति संभालता है इस पद को, तो लोकसभा राज्यसभा मिलकर करते हैं, मगर राज्यसभा सिर्फ स्पेशल अपने डिप्टी स्पीकर का चुनाव वो करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ लेजिस्लेचर पावर की। तो साधारण विधेयक जो है, साधारण देखो बिल तीन तरह के होते हैं, ठीक है, नॉर्मली बिल। अब विधेयक क्या होते हैं कि जो मसौदा, जो ड्राफ्ट कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट में प्रपोज किया जाता है, पार्लियामेंट में रखा जाता है, उसे हम कहते हैं विधेयक। क्या बच्चा? उसे हम बोलते हैं बिल। यदि वो बिल पास हो जाए देन इट विल कन्वर्टेड इनटू अ लॉ, फिर वो कानून बन जाता है, मगर कानून बनने से पहले विधेयक की श्रेणी में रखा जाता है। तो विधेयक तीन तरह के होते हैं, पहला है साधारण विधेयक नॉर्मल, दूसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपको अमेंडमेंट करना हो, और तीसरे होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड बिल। तो फाइनेंस से रिलेटेड बिल भी दो टाइप के होते हैं, हम अभी पढ़ेंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक वगैरह वगैरह, मगर यहाँ ध्यान रखिए कि साधारण विधेयक जो होते हैं वो दोनों ही लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत हो सकते हैं। यदि मान लो साधारण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा में आपसी मतभेद हो जाएं, जैसे लोकसभा ने कोई बिल पास किया, राज्यसभा ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, राज्यसभा ने या फिर उसमें अमेंडमेंट कर दिया, फिर वो बिल लोकसभा के पास भेजा, लोकसभा ने अपना पुराना वाला ही बिल फिर से प्रपोज कर दिया, यानी इनमें आपस में एक समझ लो विवाद होने लगे, है ना, सास बहू की तरह लड़ने लगे इधर उधर इधर उधर, तो फिर क्या होगा? राष्ट्रपति बोलेगा स्टॉप, चलो दोनों बैठो साथ में, मैं आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवाता हूं। तो वो नहीं, जैसे सास बहू लड़ते तो फिर ससुर जी आते हैं, चलो मैं बैठता हूं साथ में, क्या प्रॉब्लम है, वैसे ही यहां राष्ट्रपति महोदय आ जाते हैं, बोलते हैं रुको रुको रुको, आर्टिकल 108 है ना यार, क्यों झगड़ रहे हो आप लोग? आर्टिकल 108 क्या बोलता है? बोले भैया अगर दोनों झगड़ें किसी बिल को लेकर के तो क्या होगा, दोनों को एक साथ बिठा दिया जाएगा और फिर करा लेंगे वोटिंग, जिसका बहुमत बिल पास। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है, जॉइंट सिटिंग, पार्लियामेंट्री जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में है। ठीक है, उस पार्लियामेंट्री सिटिंग को चेयर करते हैं कौन? लोकसभा स्पीकर, उस पे उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर, और आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति ही जॉइंट सिटिंग को बुला सकता है। ठीक है, अब देखिए जब संविधान संशोधन से संबंधित पावर की बात करें, संविधान से संशोधन मतलब जब आप पार्लियामेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने जा रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह ही काम करती है हमारी पार्लियामेंट भी, जब वो संविधान में संशोधन करे तो इस मामले में दोनों के बराबर पावर हैं, यानी आप संविधान में कोई भी अमेंडमेंट राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अलग अलग प्रस्ताव पास होंगे तभी वो अमेंडमेंट माना जाएगा, यानी कि प्रस्तुत तो आप दोनों में से किसी भी सदन में कर सकते हो, मगर इसमें जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता, क्योंकि संयुक्त बैठक में लोकसभा के मेंबर ज़्यादा होते हैं, वे 550 हैं, इनके तो 250 है, तो लोकसभा वाले जीत जाते हैं, मगर हमने कहा कि संविधान संशोधन में दोनों में अलग अलग ही बिल पास होगा तभी इसको पास माना जाएगा, इसकी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। ठीक है, सबसे एक जो स्पेशल पावर राज्यसभा को है वो ये है कि यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो पहला प्रस्ताव राज्यसभा में ही पास होगा। यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो पहला प्रस्ताव राज्यसभा में ही पास होगा, उसके बाद लोकसभा सिर्फ अपनी सहमति दे देती है तो उपराष्ट्रपति जी हट जाएंगे। ठीक है, अब मैंने कहा था कि संशोधन तीन तरह के होते हैं, तो संशोधन संविधान में अगर संशोधन करना हो तो संशोधन में देखो हमने तीन तरह के संशोधन करने के तरीके हैं। सबसे पहले सामान्य बहुमत के आधार पर,
अब सामान्य बहुमत के आधार पर संविधान में क्या संशोधन होते हैं? जैसे कुछ ऐसे प्रोविजन है जैसे नए राज्यों का निर्माण करना हो, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने का प्रभाव हो, या फिर नागरिकता की समाप्ति या नागरिकता की प्राप्ति से संबंधित कानून हो, है ना। जैसे अभी हमने जो कानून बनाया था नागरिकता संबंधित, सिटीजन से रिलेटेड, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना हो, तो ये हो गए साधारण बहुमत से, तो आप 50+1 से पास कर सकते हो। दूसरा होता है जो है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत मतलब क्या कि जब आप कोई संशोधन ऐसा हो संविधान से जो दोनों राज्यों में 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, दोनों सदन में लोकसभा राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे विशेष बहुमत। और एक होता है विशिष्ट बहुमत, तो स्पेसिफिक मेजोरिटी। स्पेसिफिक मेजोरिटी माने क्या कि दोनों सदनों में लोकसभा राज्यसभा में जो 2/3 से तो पास हो, बट जो राज्यों की आधी से ज़्यादा विधानसभाओं में भी बिल पास होना चाहिए। अच्छा, ऐसा बिल कब आता है? जब आप संविधान के उन प्रोविजंस में अमेंडमेंट करने जा रहे हो, संविधान के उन प्रावधानों में संशोधन करने जा रहे हो जो प्रावधान हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, माने जिसमें केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित प्रावधान हो। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, फिर राष्ट्रपति के चुनाव में तो केंद्र और राज्य सभी सरकारें भूमिका निभाती हैं, यानी फेडरल स्ट्रक्चर हो गया। हमारे सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप हो गए, केंद्र राज्य संबंध हो गए। फिर संसद में स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन करने का कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये हो गया विशिष्ट बहुमत। तो तीन तरह से संविधान संशोधन के प्रोविजन हमारे यहाँ हैं। अब 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है कि संशोधन, इस संविधान संशोधन के अनुसार जो संसदीय संख्या है, जो पार्लियामेंट्री हमारी जो फिगर है ना, वो 2026 के बाद ही जो जनगणना होगी उसके अकॉर्डिंग ही बदलेगी और डेफिनेटली अब बढ़ेगी। अब हमारी लोकसभा राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी, इसीलिए हमने पहले से तैयारी कर ली है, हमने नया पार्लियामेंट हमारा बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि नया पार्लियामेंट जो बनेगा वही पार्लियामेंट बनकर जब तैयार हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, सीटें बढ़ जाएंगी। ठीक है, संसद में अधिवेशन और गणपूर्ति। सबसे पहले तो आर्टिकल 100 ये कहता है कि अगर सदन आपको चलाना है लोकसभा या राज्यसभा का, तो 1/10 मेंबर उपस्थित होने चाहिए, यानी जो कोरम है बैठक को शुरू करने का वो है 1/10। संसद के दो अधिवेशनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीने, यानी कि आपको 6 महीने के अंदर सदन बुलाना ही पड़ेगा, यानी साल में आप समझ लो कि 2 अधिवेशन होने ही चाहिए। मगर हमारे देश में 3 अधिवेशन होते हैं संसद के। पहला, सबसे पहला होता है बजट सेशन जो फरवरी में शुरू होता है, दूसरा फिर बारिश के समय होता है, कौन सा, बारिश के समय होता है मानसून सत्र जिसको हम कहते हैं, और तीसरा होता है हमारा विंटर ठंड के समय पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 3 जो है, बजट, मानसून और शीतकालीन, 3 सत्र हमारे यहाँ सामान्यतः हर साल होते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 249 को भी थोड़ा समझ लेना। आर्टिकल 249 थोड़ा स्पेशल है क्योंकि राज्यसभा को कुछ स्पेसिफिक पावर दे देता है। क्या पावर दे देता है बच्चा? दरअसल राज्यसभा को लगता है कि हमें राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना चाहिए। राज्य सूची, राज्य सूची, हाँ जी। आर्टिकल या हमारा शेड्यूल नंबर 7 क्या कहता है कि भैया हमने केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बना रखी है। ये तीनों लिस्ट क्या होती हैं, इसमें हमने पावर्स दे रखी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इन मामलों पर काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट इस पर करेगी, और इस तीसरी लिस्ट में दिया है कि दोनों किस पर काम करेंगी। अगर मान लो कोई राज्य सूची का कोई विषय है, कोई स्टेट लिस्ट का कोई टॉपिक है, और सरकार, राज्यसभा चाहती है कि इसको हम सेंटर में कन्वर्ट कर दें, सेंट्रल लिस्ट में डाल दें, तो राज्यसभा से ही पहले, सबसे पहले प्रस्ताव घोषित होना चाहिए। यानी राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को यदि राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, राष्ट्रीय महत्व का मतलब हो गया कि सेंट्रल लिस्ट में आना चाहिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इश्यूज को देखती है, तो अगर वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको मिल जाती है, संसद को मिल जाती है, और फिर जो है
वो उस विषय पर कानून संसद बना सकती है। ठीक है, अब आर्टिकल 312, ये भी एक स्पेसिफिक है। अगर मान लो स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि मान लो राज्यसभा को लगता है कि हमें एक नई अखिल भारतीय सेवा बनानी चाहिए, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा, तो राज्यसभा आर्टिकल 312 के तहत ऐसा प्रस्ताव सबसे पहले लेकर आइए। और अगर 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का प्रस्ताव लेकर के आती है तो फिर हमारे यहाँ एक ऑल इंडिया सर्विस बनेगी। फिलहाल में हमारे यहाँ देश में 1966 में IFS बनाई थी राज्यसभा के प्रस्ताव से, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फिलहाल में हमारे यहाँ 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS और IFS, फॉरेस्ट सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब ये होता है कि इसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो सेंटर और स्टेट दोनों जगह अपनी सर्विस देते हैं। ठीक, अब राष्ट्रपति पार्लियामेंट में राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कुछ लोकसभा के मेंबर्स पर फटाफट जल्दी से। सबसे पहले आता है प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या इस तरह की बात नहीं है। दरअसल क्या है कि जब हमारे यहाँ नया लोकसभा का चुनाव होता है तो चुनाव के बाद में जो मेंबर्स आए हैं उसमें सबसे पहले उन मेंबर्स की कार्यवाही को लीगल तब माना जाता है जब वो शपथ लेकर के काम करें। यानी शपथ के बिना आप लोकसभा के मेंबर नहीं माने जाएंगे, आप भले वहाँ बैठे हैं आपके काम को नहीं रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो हमने क्या प्रोविज़न किया हुआ है कि जब नई सरकार, नई पार्लियामेंट बैठेगी, नई लोकसभा बैठेगी तो सबसे पहले हम एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और उस प्रोटेम स्पीकर को जब चेयरमैन की सीट पर बैठता है तो उसका पहला काम होता है कि वो सारे लोकसभा के मेंबर्स को शपथ दिलाता है, ऑथ दिलाता है। उसके बाद में उसका दूसरा काम होता है नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना। जब नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाता है और जो भी व्यक्ति अध्यक्ष चुना गया है बकायदा वो जब सीट पर बैठता है और प्रोटेम स्पीकर उतर कर अपने सदस्य के नाते, सदस्य की भूमिका में वहाँ पहुँच जाता है। यानी कुल मिलाकर बात यह हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाई जाती, ठीक है, मगर प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाई जाती है। मगर प्रोटेम स्पीकर का काम बहुत माइनर सा होता है और उसके बाद में वो सामान्य सदस्य बन जाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है लोकसभा का स्पीकर। ये है 93, आर्टिकल 93 से रिलेटेड है लोकसभा का स्पीकर। स्पीकर माने समझ लो कि वो व्यक्ति जो सभी संसद के जो मेंबर्स हैं, लोकसभा के जो लोग चुन करके आए हैं, उन चुन करके आने वाले लोगों को एक लोकसभा के नियम कानूनों के अकॉर्डिंग सदन को संचालित करना। जो माननीय सदस्य हमारे आए हैं, देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए वो लोग वहाँ पहुँचे हैं, तो उन्हें इतने लोगों को मैनेज करना, ये काम होता लोकसभा स्पीकर का। और अब वो मैनेज अपनी मर्जी से नहीं करता, उसके सामने लोकसभा के नियम कानून लिखे हुए हैं, उन नियम कानूनों, उन प्रक्रियाओं, उन परंपराओं के द्वारा वो लोकसभा को संचालित करता है। सामान्यतः लोकसभा के अपने निश्चित नियम हैं, कानून कैसे प्रस्ताव में रखा जाएगा, सरकार और विपक्ष दोनों के अपने अपने इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को किस तरह से संसद में गरिमापूर्ण तरीके से उठाना है, किस प्रकार से कब किसको बोलने की अनुमति देना है, किसे बैठने के लिए कहना है। हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर साहब जो होते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, पहले इसके पहले हमारे इंदौर की सांसद हमारी अपनी ताई सुमित्रा महाजन हुआ करती थी, अभी ओम जी बिरला साहब हैं जो कि कोटा से सांसद हैं। अब देखिएगा कि उन बिचारों का ज़्यादा वक्त तो ये कहने में निकल जाता है कि बैठ जाइए, आप नहीं बोल सकते, आप रुक जाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सामान्य सा प्रक्रिया है कि जब हम संसद में जाते हैं तो हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, इसलिए जाते हैं संसद में हमारे माननीय सांसद लोग।
तो वो आवाज जब उठाने की भावावेश में आकर के वो कई बार नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो हमारे लोकसभा स्पीकर एक पिता के समान होता है, वो अनुशासन का ध्यान रखता है, अनुशासन नहीं टूटना चाहिए, अनुशासन। तो लोकसभा स्पीकर की सबसे बड़ी भूमिका यही होती है कि जब सदन चल रहा हो तो वो अनुशासन बनाए रखे, सख्ती के साथ पेश आ जाए भले ही, मगर सदन की गरिमा भंग ना होने दे, और यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है लोकसभा स्पीकर की। तो लोकसभा स्पीकर साहब जो होते हैं वो हमारे सदन को संचालित करते हैं। ठीक है, अब लोकसभा स्पीकर बनने के लिए आपकी योग्यता क्या है? आप मेंबर होना चाहिए, सदस्य होने चाहिए। पहले अध्यक्ष थे हमारे जीवी मावलंकर साहब और पहले उपाध्यक्ष थे अनंत संयम अयंगर, A.S. अयंगर साहब। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार, जो 2009 से 2014 के समय पर रही थी। सबसे लंबा टेन्योर रहा था बलराम जाखड़ साहब का, जो 1980 से 1989 तक हमारे लोकसभा स्पीकर रहे थे। अध्यक्ष के पद पर रहते हुए मृत्यु किस लोकसभा स्पीकर की हुई थी? तो GMC बाल योगी, जो कि 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, इनका देहांत हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष की शपथ का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, मैंने कहा। अध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना है तो वो उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो वो अध्यक्ष को देगा। ठीक है, चलिए अब लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा मैंने कहा कि 5 साल के लिए चुनाव इनके होते हैं, मगर अगर प्रधानमंत्री चाहे तो लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है, बट वो राष्ट्रपति को सलाह देगा और फिर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देंगे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के थ्रू 1976 में लोकसभा कार्यकाल 5 साल से 6 साल कर दिया गया था, यानी टेन्योर इसका 6 साल कर दिया था परमानेंटली। मगर जैसे ही 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2 साल बाद, तो उसको फिर से 6 साल से 5 साल का कर दिया है, और अभी 5 साल ही है। अब देश में पहली बार मध्यावधि चुनाव कब हुए? देखो, मध्यावधि चुनाव मतलब क्या? मध्यावधि चुनाव मतलब है ना मिड टर्म इलेक्शन, कि आपने 5 साल के लिए चुनाव लोकसभा का चुनाव किया हो जनता ने, और बीच में ही वो भंग होकर नए चुनाव हो जाए, उसे बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। तो 1971 में जब पहली बार हमारे यहाँ मध्यावधि चुनाव हुए थे। ठीक है, अच्छा, लोकसभा में विपक्ष के नेता की अपॉइंटमेंट लोकसभा अध्यक्ष करता है, ध्यान रखना। फिलहाल में कोई विपक्ष का नेता लोकसभा में नहीं है। पहली लोकसभा में 22 महिलाएं सदस्य थी, और लोकसभा की पहली महिला महासचिव बनी थी स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, अब संसद की कुछ समितियों पर मैं बात करना चाहूँगा। संसद की हमारे यहाँ कुछ समितियां होती हैं, पहली है लोकलेखा समिति, दूसरी है प्राकलन समिति। इन दो पर मैं विशेष बात करूँगा, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत बनते हैं। तो दरअसल समितियां क्या होती है कि संसद के काम को आसान करने के लिए हमने कई सारी कमिटीज़ बना दी हैं, जो कमिटीज़ में संसद के ही मेम्बर होते हैं, और वो अपनी रिपोर्ट फिर संसद को प्रस्तुत कर देते हैं। इससे क्या होता है कि संसद का काम आसान हो जाता है, वरना वो हर मुद्दे पर पूरे पार्लियामेंट डिस्कस करे, ये सही नहीं है। तो हमने पार्लियामेंट को भी कई ग्रुप में बांट दिया है, उस ग्रुप को हम बोलते हैं कमिटीज़। तो क्या हुआ कि जैसे दो कमिटीज़ के बारे में स्पेशली पढ़ना है, एक है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये जो कमेटी है ये 1921 में पहली बार बनी थी, जब भारत सरकार अधिनियम 1919 पास हुआ था उसके बाद। ठीक है, अभी भी काम कर रही है। इसमें 25 से 15 लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं। सदस्यों का चुनाव जो है हर एक साल के लिए संसद द्वारा होता है, और इसका एक साल का कार्यक्रम इसका होता है, एक साल तक काम करता है। मगर लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है ना दोस्तों, वो हमेशा विपक्ष का व्यक्ति ही बनाया जाता है, लोकलेखा कमेटी का। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और है, वो है प्राकलन समिति। इसमें 25 मेंबर हो गए, और इसमें जो होते हैं इसमें 30 सॉरी एस्टिमेट कमेटी जो है प्राकलन समिति, उसमें जो एस्टिमेट कमेटी है उसमें 30 सभी लोकसभा से होते हैं, 30 सदस्य होते हैं सभी लोकसभा से, और इसका चुनाव भी हर साल होता है। इसमें मंत्री नहीं चुने जाते, मंत्री किसी में नहीं चुने जाते, और इसका अध्यक्ष का जो भी चुनाव होता है वो हमारे लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखना, लोकलेखा समिति का अध्यक्ष सदस्यों में से चुना जाता है,
और विपक्षी दल का होता है। प्राकलन का अध्यक्ष भी सदस्यों में से ही चुना जाता है जो कि सत्ताधारी दल का होता है सामान्यतः, ठीक है। अब लोक लेखा समिति का काम क्या है कि जो हमारे यहाँ हर साल ऑडिट करके जो CAG रिपोर्ट देता है ना, उस रिपोर्ट पर उन मुद्दों पर विचार करना, यानी कि लोक लेखा समिति का काम है जो CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसकी एनुअल ऑडिट जो होती है उस पर रिपोर्ट की जांच करके संसद के सामने रखना चाहिए। और जो प्राकलन समिति है उसका काम क्या है, बजट आवंटन की निगरानी करना, यानी जो पहले से बजट आपने अलॉट कर दिया है वो बजट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वो इसका काम है, ठीक है, प्राकलन समिति का, एस्टिमेट कमेटी का। अब देखो एक आर्टिकल 108 को मैं थोड़ा सा इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझा दूं आर्टिकल 108 क्या है। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आर्टिकल 108 ये बोलता है कि इसका बैठक होगा संयुक्त बैठक, ठीक है ना। अभी जो संयुक्त बैठक है, मैं सिर्फ संयुक्त बैठक पे बात कर रहा हूँ, संयुक्त बैठक का जो है, अच्छा ये संयुक्त बैठक वो बैठक नहीं है जो हर साल होती है ना, बजट सेशन से पहले हर बार एक जॉइंट एड्रेस होता है जिसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर बैठते हैं और राष्ट्रपति महोदय जो है वो उनको संबोधित करते हैं, पर वो संबोधित करना एड्रेस कहलाता है, वो जॉइंट सिटिंग नहीं है। पार्लियामेंट में कोई कानून पास नहीं हो रहा उन एक साथ बैठने से, वो तो सिर्फ राष्ट्रपति जी एड्रेस करते हैं। अच्छा दूसरी बात ये भी है कि राष्ट्रपति जी पहली बार जब लोकसभा चुनकर के आती है तो सबसे पहले जॉइंट सिटिंग को संबोधित करते हैं और दूसरी बार करते हैं, मतलब हर साल वो जब करते हैं जब बजट सेशन के पहले, ठीक है। अब यहाँ मैं संयुक्त बैठक की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 में है, ये ध्यान रखिएगा। संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक में किस प्रकार के विधेयक आते हैं, तो संयुक्त बैठक में साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल और जो हमारा नॉर्मल जो बिल होते हैं ना, साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल, तो साधारण और वित्त विधेयक दोनों को इसमें रखा जाता है। अब तक कितनी बार बुलाई गई है बैठक, तो 3 बार अभी तक जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है। सबसे पहले 1961 में जब दहेज निरोधक विधेयक पास किया गया था, दूसरी बार 1978 में जब बैंक सेवा से रिलेटेड बिल आया था, और तीसरी बार 2002 में जब आतंकवाद को रोकने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पोटा कानून बनाने से संबंधित बिल रखा था। तो याद रखिएगा ये है जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट, ये चार्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपके काम आएगा। अब मैं आता हूँ संसद की फिर दूसरी समितियों पर जल्दी से। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, राज्यसभा से 7, ठीक है। प्राकलन समिति में 30 होते हैं जो लोकसभा से। सार्वजनिक उपक्रम समिति जो होती है ना, PSU से रिलेटेड कमेटी, उसमें 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। विशेषाधिकार समिति जो होती है, ठीक है, उसमें 25 लोकसभा के, 25 राज्यसभा के, 10 प्रवर समिति जो होती है उसमें 30 विधेयकों की जांच करती है। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, वो है सबसे पहले क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, तो जब संसद की प्रोसीडिंग होती है, जब पार्लियामेंट सबसे पहले स्टार्ट होती है 11 बजे सुबह, तो 11 से 12 प्रश्नकाल का समय रहता है। प्रश्नकाल में क्या होता है कि जो विपक्षी लोग हैं वो सरकार के मंत्रियों से विभिन्न विभिन्न विषयों पर अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, ये सब होता है क्वेश्चन आवर, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं जो मंत्री नहीं है, ध्यान रखना। अब जो प्रश्नकाल है ये लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा में 1952 से, राज्यसभा में 1964 से आयोजित हो रहा है और आज तक हो रहा है। प्रश्न पूछने से पहले सदस्य को स्पीकर को सामने 15 दिन पहले नोटिस देना होता है, और अब ये 15 दिन पहले के नोटिस को स्पीकर चाहे तो कम भी कर सकता है। प्रश्नों की संख्या जो है वो लोकसभा में हर दिन प्रतिदिन केवल 5 और राज्यसभा में प्रतिदिन 7 प्रश्न नॉर्मली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब प्रश्नकाल में जब पूछे गए प्रश्न होते हैं ना, वो भी 3 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा, प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्नों का जो प्रकार है वो 3 तरह के होते हैं ये प्रश्न। सबसे पहले जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं तारांकित, यानी स्टार्ड तारांकित प्रश्न,
तारांकित मैंने स्टार्ट क्वेश्चन, यानी इन पे स्टार बना होता है। क्या होता है इन पे? इसी तरह से स्टार बना होता है। और ये हरे रंग के प्रश्न होते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं ना, ये हरे रंग में प्रिंटेड होते हैं, ग्रीन कलर में प्रिंटेड होते हैं। और ये दरअसल स्टार के द्वारा उन पर स्टार बना दिया जाता है, इसलिए स्टार्ट क्वेश्चन है। और इसके लिए आपको मौखिक उत्तर देने की आवश्यकता होती है, और इस पे पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मौखिक उत्तर माने आपको ओरली जवाब देना होता है। माननीय मंत्री जी से वो व्यक्ति प्रश्न पूछता है डायरेक्टली, और मंत्री जी जवाब तैयार करके आते हैं, तो मंत्री जी जवाब दे भी देते हैं। दूसरी बात होती है अतारांकित, नॉन स्टार्ट। इसमें क्या होता है, सफ़ेद रंग के क्वेश्चन होते हैं, व्हाइट प्रिंटेड होते हैं। इसके लिए लिखित उत्तर यानी आपको रिटर्न में जवाब देना पड़ता है, और इस पर आप इसलिए इस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। और अल्प सूचना यानी शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस, ये हल्के गुलाबी रंग के प्रिंटेड होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। इसमें सार्वजनिक महत्व और बहुत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है। 10 दिन से कम समय का नोटिस दे करके इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं माननीय मंत्री से, और इसका उत्तर भी आपको मौखिक देना है। यानी स्टार्ट और शॉर्ट नोटिस का उत्तर आपको मौखिक ओरल देना है, बाकी का क्वेश्चन का आंसर आपको लिखित में रिटर्न में देना होता है। ठीक, निजी सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं, पीले रंग के होते हैं, मतलब नियम के तहत होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है जीरो आवर पर, शून्यकाल पर। ठीक है, शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है, मतलब ये हमारा एक इनोवेशन है शून्यकाल, जीरो आवर। दरअसल 12 से 1 का जो समय होता है वो जीरो आवर का होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है डिबेट की जाती है, बहस की जाती है। सांसद बिना किसी सूचना के मामले अपनी मर्जी से उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी मामला होता है जो जनहित का हो, वो सांसद उठा सकता है। ठीक है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू होता है। ठीक, तो ये हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स मुझे लगा कि आप लोगों को ये पता होने चाहिए, जिस पर पार्लियामेंट से मैंने बात किया। तो ये जो टॉपिक है ना बच्चा, ये बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान भी करते हैं, मगर पार्लियामेंट एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम पॉलिटी के कोर्स में बात करेंगे। तो चलिए, ये सेशन यहीं पर दी एंड करते हैं। पार्लियामेंट का रिविज़न आप लोग करते जाइए, और किसी तरह का कोई प्रश्न हो, कोई किसी के मन में कोई सवाल हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हमें ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, हमारी तैयारी का लेवल क्या है, हम कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और कैसा हमारा एग्ज़ाम होगा, तो यार ये सब चिंताएं ना आप छोड़ दो, ये सब चिंताएं आप एक तरफ रख दो। मैंने पहले भी कहा और मैं आज फिर कहता हूं कि आपकी दृष्टि आपकी सृष्टि बनाती है। आपकी दृष्टि सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, तो फिर इस बात की गारंटी तो ये नहीं है कि आप सकारात्मक दृष्टि रखोगे तो आपके सारे काम सकारात्मक हो जाएंगे, नहीं, ऐसी गारंटी नहीं है। मगर जब आप सकारात्मक दृष्टि रखते हैं तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है तो उसको फेस करने का पावर बढ़ जाता है। हम उन चीजों से विचलित हुए बिना एक पॉजिटिव वे में काम कर सकते हैं। इसलिए व्यू हमेशा पॉजिटिव रखो। पेपर कैसा आएगा पीएससी जाने, रिजल्ट कैसा होगा ये भी पीएससी जाने, आप क्या जानो, आप सिर्फ तैयारी करना जानो। आप अपना 100% दे दीजिए। आप एक भ्रम में रहते हैं जिंदगी में, आप एक भ्रम में रहते हैं। भ्रम यह है कि तैयारी करने का ये मतलब कि आपको सिलेक्शन ही मिल जाएगा। सिलेक्शन है यहां और आपकी तैयारी है यहां। इस तैयारी करने का यह मतलब कतई नहीं होता कि आप सक्सेस हो जाओगे। इस दोनों के बीच की जर्नी को कम करना पड़ेगा, ये आप यहां पहुंचेंगे। और ये जो रास्ता है ना बच्चा, ये रास्ता तय करने में आप और आपका विजन
आपका डेडिकेशन, आपकी दृष्टि, आपकी मेहनत, आपका पोटेंशियल, आपका कैलिबर, आपकी प्लानिंग और आपके सपने और उन सपनों पर भरोसा, ये बहुत जरूरी है। आप डिसाइड करेंगे कि कल को आप कलेक्टर बन रहे हो या नहीं बन रहे हो। 2028 के सिंहस्थ में आप अपने आप को किस भूमिका में देखते हैं? क्या आप सिर्फ स्नान करने जाएंगे या आप व्यवस्था संभालने जाएंगे? ये आप डिसाइड करिए, ये आपके हाथ में है। कैसे तय करेंगे? ध्यान। एक अच्छे स्टूडेंट की लाइफ में ध्यान का होना बहुत जरूरी है। ध्यान, हम इतना ज्यादा फंस चुके हैं हमारे आसपास की चीजों से, इस दुनिया में इतना भ्रम है कि हम खुद से नहीं मिलते। हमें क्या खाना है ये भी लोग तय करते हैं। यार कल मेरा दोस्त पड़िया बटर खिचड़ी खाया था, मैं भी खाऊंगा, बताओ। उसने जो खाया उसने तय कर दिया कि आप क्या खाएंगे, आपको क्या बोलना है वो भी दूसरे लोग तय करते हैं, आपको क्या पहनना है वो भी दूसरे लोग तय करते हैं। किसी को ड्रेस देखा आपने, आपको पसंद आया, बोला मैं भी पहनूंगी या मैं भी पहनूंगा। आपका अपना क्या है, आपको क्या चाहिए, तो आप ही डिसाइड करिए। 10 मिनट 24 घंटे में से ध्यान के लिए निकालिए, 10 मिनट। यकीन मानिए आप इस भ्रम से बाहर निकल जाएंगे। खुद पर कंसंट्रेट करिए, आपको क्या चाहिए, आप में कितना पोटेंशियल है, आप कितना कर सकते हैं, आप डिसाइड करिए। तो दोस्तों अपने आप पर भरोसा रखिए, लर्निंग करते जाइए, अर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगी आपके साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, किसी तरह की समस्या हो कॉन्टैक्ट करिए। जय हिंद।